हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे टेक्नोलाइट होम यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम सीखेंगे किसी भी एंड्रॉइड फोन में जीमेल अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उसका प्रोसेस होता है, क्या है। चलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, टेक्नोलाइट होम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, बना रहे वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हम अपना फ़ोन का क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिए हैं। ओपन करने के बाद हम इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम सर्च करेंगे क्रिएट गूगल अकाउंट। क्रिएट गूगल अकाउंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करके क्रिएट गूगल अकाउंट जो है उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऐड अकाउंट पर क्लिक करेंगे। ऐड अकाउंट पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद में नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे लिख रहा है ईमेल आईडी और फ़ोन, ईमेल और फ़ोन। तो इस पर हम क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, फॉर माई सेल्फ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम नेम, फर्स्ट नेम डालेंगे यहाँ पे और लास्ट नेम डालेंगे। चलिए हम अपना एंटर कर लेते हैं। एंटर करने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालेंगे, अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद फिर हम जेंडर पे क्लिक करेंगे और अपने हिसाब से जो भी है जेंडर सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आ गया क्रिएट जीमेल एड्रेस। तो हम अपने हिसाब से एक जीमेल आईडी क्रिएट कर लेंगे, क्रिएट ए जीमेल एड्रेस पे पहले नाम क्लिक एंटर करेंगे, उसके बाद में कुछ नंबर एंटर करेंगे और उसके बाद @gmail.com नहीं लिखना, उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद पासवर्ड पे हम क्लिक करके पासवर्ड एक बना लेंगे, नया जनरेट कर लेंगे और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, जैसे कि कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद में फिर स्पेशल करेक्टर होना चाहिए। फिर उसके बाद कुछ नंबर एंटर करना है। एग्जांपल के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हम अपने स्क्रीन पे इस तरीके के होना चाहिए, आप देखकर अपना ही ऐसा सेट कर सकते हैं। एंटर करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद अपना एक मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसी नंबर पे आपका एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा जिसे OTP बोलते हैं, और उसी OTP को डालकर अपना जीमेल को वेरीफाई कर लीजिएगा। और उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे यस पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। ये मेरा ईमेल आईडी बन के तैयार हो चुका है और नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन दिया है, उस पर हम नेक्स्ट करेंगे। और नीचे नेक्स्ट करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके आई एग्री पे क्लिक करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा लोडिंग लेगा, उसके बाद में आपके फ़ोन में वो ईमेल आईडी सेव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो कैसा लगा आपको, और अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।